भी गर्म है माहौल जब से आप हॉकी जीत करके आए हो. सो हाउ डू यू फील? फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक. After 41 years. After 41 years to bring the medal back to India is wonderful. But now, how do you feel? I feel very proud. Yeah, wow. Very proud. Yes. देखिए आपकी ये हॉकी की जो विक्ट्री है यार, आपने और बेटियों ने दोनों ने कमाल किया. और भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है. सीजेएस को तो तब पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे. नहीं सर, मैं लोगों को मलयालम सिखाता हूँ अभी. क्योंकि गोल कीपर को तो सबको सूचना देता रहता है. सर आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किए सर, थैंक यू वेरी मच. क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आई मीन एक मोटिवेशन था. लेकिन तुम जीत कर के बाद वहाँ जाके कैसे बैठ गए? सर वो मेरा घर है एक्चुअली, मैं 21 साल से उसी के सामने खड़ा था, तब वो एक्साइटमेंट में फोन के ऊपर चढ़ गया सर. अच्छा देखिए, लेकिन हॉकी और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फर्क है. क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है, बैटिंग किसी की भी हो, बॉलिंग किसी की भी हो, वो 24 घंटे कैमरा के सामने होता है, लोग उसको पहचानते हैं. और हॉकी ऐसी है, खेल जीतने के बाद भी गोल कीपर को कोई नहीं जानता. सही बोला सर. बाद में उसको बताना पड़ता है कि ये था, क्योंकि इतना उसको पहना हुआ होता है. हम लोग जिंदगी भर वो मास्क के पीछे रह जाते हैं. और ये एक साधना है जी, खुद को भी, वरना मन करता है यार मैं भी तो वहां दौड़ू, कैमरा मेरे पीछे दौड़ेगा. लेकिन यहाँ रहना, और आपने तो बड़ी दीवार के रूप में, एक वॉल के रूप में प्रतिष्ठा पाई है. मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बधाई, और हर एक ने बहुत अच्छा कमाल किया. और अब ये मेजर ध्यानचंद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप लोगों ने दी है, और आप ही से प्रेरित होकर के मैंने उस दिन वो निर्णय भी कर लिया. क्योंकि ये मैं हॉकी को सम्मानित करना चाहता, बहुत बड़ा काम किया.